दिन रात में कफनों के अंदर ही रहता हूँ, तो हमारा तो कफन ही हमारे लिए सब कुछ है और यही हमारा। ये क्या चीज़ है महाराज? ये मनुष्य की खोपड़ी, ये मेरा प्रेत है, मेरा गण है, मेरा एक सचिव है जो मेरा मोबाइल है। अच्छा। है ना, जिसमें मैं सुनता हूँ, बातचीत करता हूँ, मेरा खिलौना है। तो देखो ये मरा हुआ है ना, ये मरा हुआ है तो किसको प्यार प्यार से लेके चल रहा हूँ, इसको जिंदे वालों को पकड़ के लाओ सालों, है ना। अब हमारा तो दिन रात प्रतिदिन जो भी है, हमारा तो रोजी रोटी यही है, हमारा मसान की राख यही है, हमें भूख लगती है तो हम खा लेते, बैठ बैठ के बैठ बैठ खाते रहते हैं, पेट भरा जाता। हम बाबा लोग कितने मसान की राख आई है, कोरोना की राख होगी, हम तो खा रहे हैं ना, आप तो सामने खा रहे हैं ना, तो हमें कोरोना कहाँ। तो हमारा खाना जहर है, अघोरियों का खाना जहर है, और कंकाल हमारा दुश्मन है, और शिव का जो भी है हमारा गुप्त है वो पूरी दुनिया के सामने नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम अघोरी है। और ये भी कहा जाता है कि अघोरी लोग मुर्दा वगैरह खाते हैं, मुर्दे का मांस वगैरह खाते हैं। मुर्दे का मांस खाते हैं, हर अघोरी मुर्दे का मांस वगैरह लेता ही है, लेता ही है। इस मनुष्य में दारू भी खा रहा, मटन भी खा रहा, चिकन भी खा रहा, सब खा रहा, तुम उससे तो नहीं पूछ रहे हो यार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी, आध्यात्म नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आरंभ हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ, और इस महाकुंभ में अलग अलग प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी साधकों का मेला लगा हुआ है, शिविर लगे हुए हैं, तंबू लगे हुए हैं। इसी श्रृंखला में अघोरी साधुओं ने भी अपना शमशान के तट पर डेरा लगाया है। हमारे साथ अघोरी बाबा महाकाल हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका सबसे पहले तो, और जानना चाहेंगे आपके बारे में सबसे पहले। मेरा नाम महाकाल तिलकधारी है जी, अघोर पंथ से हूँ, मेरे गुरु सोमनाथ जी हैं, और अघोर की पद्धति हम मसानों में रहते हैं, और मसान से लावर इसलासों के साथ है। हमारे को तो पहले समाज घृणा करता है कि अघोर है, ये मांस खाता है, ये खाता है, ये करता है, जबकि हम नेचुरल पावर में हम लोगों को समझा रहे कि शिव पुराण पढ़ो, उसमें मांस किसने रखा पहले, क्या चीज़ है, पहले उसका ज्ञान तो है ही नहीं। अब हमारे पास खोजने आ जाते हैं तो क्या आधी अधूरी बात करें, क्या बात कर सके हम, तो अ प्लस घोर उजारे की ओर है। महाराज आपने कहा कि ऐसे इशारा करके कि हम लावारिस लाशों के बीच में रहते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? लावारिसियों की इस दुनिया में तो सबके बाप है जी, सबके बाप है ना दुनिया में, तो सब अपने अपने स्तर से जी रहा है। अब हम तो मसानी है, राख है, मुंडी लेके घूम रहे, तो उसकी है तो मनुष्य की है ना, तो कई ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनके अभी पन्नी बिन रहे हैं, कोई किसका अस्तित्व नहीं है, तो सीधा मेरे पास ही आते हैं, मुझसे ही मांगते हैं, बाबा दो दो दो, तो मैं इनकी सेवा है तो ये मुझे दे देते हैं। तो मेरी कुटिया में कितने बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, कितने कितने महामंडलों से मेरे को जगह दे रखी है, हमें तो कोई जगह नहीं दे रखी, हम मना मसान के अलावा कहीं जाते ही नहीं है, कहाँ जाए हमें, तो हमारा तो कफन ही हमारे लिए सब कुछ है और यही हमारा है। तो क्या ये सब कफन है? कफन है ये जो भी चटाई है, जितने भी सब कफन के अंदर ही आप बैठे हुए, दिन रात में कफनों के अंदर ही रहता हूँ, अपने अंधकार में 24 घंटे इस काले में दबा हुआ रहता, छुपा छुपा आनंद से। तो ये खोपड़ी, ये क्या चीज़ है महाराज? ये क्या मनुष्य की खोपड़ी है, और इसका क्या आप इसको रख के रखते हैं अपने साथ? ये मनुष्य की खोपड़ी, ये मेरा प्रेत है, मेरा गण है, मेरा एक सचिव है जो मेरा मोबाइल है। अच्छा। है ना, जिसमें मैं सुनता हूँ, बातचीत करता हूँ, मेरा खिलौना है। इसमें जो भी मेरी बुरी आत्मा है, अच्छी आत्मा है, जो भी है, जिसको आत्मा को यहाँ से भेज के ट्रांसफ़र करना, कहीं ऐसी आत्मा है जो दुर्लभ होती है, जिसको कष्ट दे देती है, जिसके पीछे पड़ जाती है, साया हो जाता है, तो हर चीज़ आपके समझ में है। अब हमारा तो दिन रात प्रतिदिन जो भी है, हमारा तो रोजी रोटी यही है, हमारा मसान की राख यही है, हमें भूख लगती है तो हम खा लेते, बैठ बैठ के बैठ बैठ खाते रहते हैं, पेट भरा जाता। तो हमारा खाना जहर है, अघोरियों का खाना जहर है, और कंकाल हमारा दुश्मन है, बाकी मनुष्य दुश्मन है, फिर भी आप इसको साथ रखते हैं। तो देखो ये मरा हुआ है ना, ये मरा हुआ है तो किसको प्यार प्यार से लेके चल रहा हूँ, इसको जिंदे वालों को पकड़ के लाओ सालों, है ना, तो मेरे साथ खाएगा पिएगा अय्याशी करेगा और मेरे पैसे चोरी करके मुझे मार डालेगा, तो बताओ कौन कंकाल है, मनुष्य की मैं? अच्छा। जिंदा जिंदा कंकाल है, ये कंकाल नहीं है, ये मित्र है आपका। ये मित्र है क्योंकि ये कुछ नहीं करेगा, इसको तो जितना मैं बोलूँगा उतना ही करेगा। मैं जीते जी एक दो टांग वाले इंसान को लूँगा, दोस्ती करूँगा, खाएगा पिएगा, मेरा गांजा पिएगा, सब कुछ करेगा, मुझे लूट के ही जाएगा, मुझे परेशान करके ही जाएगा। दुनिया है ना, दुनिया की परिभाषाओं को तंत्र के माध्यम से समझता हूँ, जितने भी तंत्र है सब इंद्र माया जाल से, सब मनुष्य आज है कल नहीं है, मनुष्य का सिर्फ घमंड है, अहंकार है, अपने तत्व के साथ है और अपने तत्व के जीव तत्व के साथ मर रहा है।
कोई समाज के लिए कुछ कर नहीं रहा है। जो भी समाज के लिए हित में जो भी देखा जाए तो गलती हो रहा है, करप्शन जन्म हो रहा है। कितना आज की तारीख में हर इंसान सुखी है क्या? मैं पूछता हूँ, आज की तारीख में कोई सुखी है क्या? कोई सुखी है तो बता दो कि हाँ मैं सुखी हूँ, आज मैं इस कोरोना से लड़ रहा हूँ या मस्ती से छान रहा हूँ, रह रहा हूँ। हम बाबा लोग कितने मसान की राख आई है, कोरोना की राख होगी, हम तो खा रहे हैं ना, आपके सामने खा रहे हैं ना, तो हमें कोरोना कहाँ? साफ सुथरा रखोगे, अपने आप को अच्छे रखोगे। आज मैं भी अगोरी अब मैं तो डेंजर तो नहीं दिखता हूँ, गंदा संदा तो नहीं दिखता हूँ तुमको, एक अच्छे से बैठा हूँ, अच्छे से बात करना चाहता हूँ, समाज के लिए अच्छा से हित में कुछ, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं अपन। पर हमारे तो देश से एक ही रिक्वेस्ट है पूरे विश्व में कि हर घर घर में रामायण बिठा दीजिए। ये चों चों पों पों बज रहा है ना, जितना भी एक महाकुंभ होना चाहिए, पूरा विश्व में एक ही आवाज़ होना चाहिए, राम राम राम। देखो कोरोना कितनी जल्दी भागता है। राम राम का यदि नाम हो जाए पूरे विश्व में एक स्वर के साथ तो कोरोना भाग जाएगा। महाराज आपने खुद कहा कि आज इंसान खुश नहीं है, सब दुखी हैं, तो मानव का उत्थान कैसे होगा? कौन करेगा मानव का उत्थान? साधु संत में भी भाई भतीजावाद चल रहा है, आप लोग क्या मानव के लिए क्या कर रहे हैं? इंसानों के समाज के हित के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं या बस आप सिर्फ मसान पर बैठे रहते हैं? आपने मशान में हमें बैठते हुए देखा, हमारे रामायण भी है जिसमें हम रामायण पढ़वा के सुना रहे हैं। जो मानवता के जो आपने अभी बोला है कि इस दुनिया में सब परेशान है, ये खोपड़ी जो है ये भी किसी के भाई बंधु है ना, ये भी तो प्रेत है, इसको जला के छोड़ दिया, इसको कुछ भी कर दिया, कैसे भी अदघाई, इसका कोई मोक्ष करा तुम लोगों ने? तो ये हमारे पास बैठा तो हम इसको कह रहे ना कि हर घर में जाके रामायण कर, हर घर में जाके ये काम करवा, तो दुनिया करती है मुझे। मैं तो कहता हूँ कि इतनी जनसंख्या है दुनिया के अंदर, तो सब एक एक रुपया करो तो हर दिन का एक आदमी 30,000 रुपये कमा रहा है। नहीं वो तो आप दुनिया की बात कर रहे हैं, आप लोग समाज के हित के लिए क्या कर रहे हैं? समाज के हित के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे समाज के हित में लिए हम भजन कर रहे हैं, शिव का भजन कर रहे हैं, और शिव का जो भी हमारा गुप्त है वो पूरी दुनिया के सामने नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम अघोरी है और हमारा कुछ ज्ञान और कुछ शक्ति है जो कुछ ऐसा ऊपर वाले गुरु महाराजों की कृपा है, तो वो कुछ हम खंडन नहीं कर सकते हैं। बाकी का जो समाज के हित में जो देखना चाहते हैं लोग, जो नेगेटिव पॉजिटिव दो ही आ रहा है, तो सीधा एक ही बात है, सिर्फ भजन करना है। भजन कर लोगे तो सब बीमारी दूर हो जाएगी। महाराज आजकल हर चीज़ में मिलावट देखी जा रही है, अघोरियों में भी मिलावट देखने को मिल रही है, असली अघोरी नकली अघोरी, तो उसका पैमाना क्या है? असली अघोरी कौन है? असली अघोरी तो चुपचाप बैठा रहता है, दुनिया को देख रहा, वो बताता नहीं है, गुमनाम है, ऐसा भी है गुमनाम है। नहीं अगर किसी को परखना हो कि ये असली अघोरी है या नकली, तो उसको कुछ कहा जाए कि ऐसा करके दिखाओ? और वो ऐसा कुछ नहीं है, जो ओरिजिनल होगा तो वो अपने गुरु चेलों की भाषाओं को समझता है, तो उसमें कोई हमें कोई तकलीफ नहीं होता। फर्जी वाला होता है, कोई भी आता है दो चार दिन ठीक है खाता है पीता, वो अपनी एक्टिंग कर लेता, कितने लोगों को वो एक दिन का दो दिन का खा लेगा पी लेगा चौथे रोज, तो फिर वही। ये भी कहा जाता है कि अघोरी लोग मुर्दा वगैरह खाते हैं, मुर्दे का मांस वगैरह खाते हैं। मुर्दे का मांस खाते हैं, मां भद्रकाली वगैरह इनको सबको चढ़ता है, ये पुरानी प्रथा है। ठीक है हम मांस खा लिया थोड़ी देर के, हमने मांस खाया तो हमने थोड़ी खाया है, इस प्रेत ने खाया, इस मनुष्य में दारू भी खा रहा, मटन भी खा रहा, चिकन भी खा रहा, सब खा रहा, तुम उससे तो नहीं पूछ रहे हो यार, क्यों तू जीते जी मटन मछली क्यों खा रहा है? एक अघोरी को पास आई और सामान खाने की करिए क्या, ये तो मेरा प्रसाद है, ये तो अमृत है मेरा, ये तो मेरा अमृत है जो मुझे शिव का एक थोड़ा सा भूमिका निभानी पड़ती है। उसके सभी पांच प्रकार के तत्व, सबका पांच का व्यंजन अलग अलग है, इस दुनिया में सबके अलग है। जानवर है तो जानवर को खा रहा है, आप उससे तो नहीं पूछ रहे हो फिर तू क्यों? तो मतलब हर अघोरी मुर्दे का मांस वगैरह लेता ही है? लेता ही है। अगर देखो एक जिसको कहते हैं ना जो पढ़ा लिखा नहीं और कमजोर वाला व्यक्ति जिसमें पागलपन हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये शिव की लीला है, शिव की लीला दिखाने के लिए महादेव स्वयं अपने पिंड पे पार्वती जी को सुना रहे कि ये तो मांस मेरी भक्ति का है, वो खुद चढ़ा है, किसी ने एरो गिरो ने नहीं चढ़ा, तो पहले शव को चढ़ाया क्योंकि उसको मालूम था कि मनुष्य खाएगा क्या, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इंसान इंसान का खा जाएगा, तो उस चीज़ को निकालने के लिए उसको इतिहास दिखाने के लिए वो आपको अघोर का वो बताया गया है। बाकी हर इंसान थोड़ी करे, अभी मैं कह दूँ कि ले चल आजा लिखा ले, तो आदमी पहले 10 बार सोचेगा, और बकरा कैसा भी हो कोरोना का हो काय का भी हो खा लेगा काट पीट के। तो मैं शैतान हूँ कि तुम शैतान हो? सबसे ज़्यादा तो तुम लोग शैतान, पहले तुम बंद कर दो तो आएगा ही नहीं सामने, प्रश्न ही नहीं आएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, और होता भी तो सब गुप्त रहती है, कोई किसी क्रिया थोड़ी बताएगा।
महाराज अघोरियों को लेकर के एक डर का भाव समाज में है कि अघोरी देख लिया तो 10 फीट दूर से ही रास्ता काट देना, कहीं कुछ साया अघोरी कहना पड़ जाए। इसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? आपके साथ भी कभी ऐसा होता है क्या? जो लोग डरते हैं अघोरी को देख के, तो पहले ये बताओ कि आज से टीवी चैनल जो चल रहा है, पहले लोग डरते थे कि अघोरी से, जब टीवी चैनल नहीं चलता था तो पहले लोग अघोरी से डरते थे कि अघोरी के पास जाते थे, बैठते थे, उनकी भभूति का सारा इस्तेमाल करते थे, उनको हम वचन देते थे, वरदान देते थे, सब होता, और आज भी होता है, ऐसा तो है नहीं ना। ये फिल्म के द्वारा, जैसे तुलसीराम साई ने एक हॉरर फिल्म बनी, मानो ना मानो, जो भी आपने दिखाया मिक्सिंग करके, जो भी एडिटिंग, तो एक छोटा सा बच्चा 7 साल का बच्चा वो देख देख के मानसिक दबाव को हैंग करता है और वो डरता रहता है, वो उसका भय पैदा करता रहता है। हमने भय पैदा नहीं करा, भय पैदा करने वाले लोगों को कमाई के हिसाब से, जरिए के हिसाब से। आज कोई सा भी समाज है, जो भी है, फिल्म दुनिया के अंदर से आ रहा ना, आज जो भी दिखा रहा है तो फिल्म दुनिया के अंदर से ही निकल रहा ना। ऐसे आम आदमी को तो पता ही नहीं है कि क्या हो क्या नहीं है। मैं आपको ये बैठे बैठे कुछ दे दूँ आपको, ये ले, जैसा भी कुछ एक दिखूँगा तो मैं चमत्कार कुछ भी दिखाऊँगा तो आप मेरे पीछे पीछे पड़ोगे। मुझे दिखाना ही नहीं है ना, मुझे बात ही नहीं करना, आपको जो ओरिजिनलिटी है वो बात करो, सीधी सी बात है। मतलब आपका मानना यह है कि फिल्म वालों ने अघोरियों को सबसे ज़्यादा बदनाम किया है। अंतिम अब आप अपना कुछ पर्सनल कुछ भी संदेश आप इस देश दुनिया के लोगों को देना चाहें, अपने दिल की आवाज़। मेरे दिल की आवाज़, अगर देखो महाकाल को प्यार करते हैं और सत सनातन धर्म, अगर इस पूरे 12 भेद को, सारी दुनिया एक भारत को अच्छी तरीके, पूरा विश्व एक अच्छी तरीके से प्यार करता है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि एक दिन के लिए पूरा विश्व रामायण नहीं पढ़ सकता है क्या? अपने हिंदुओं का तत्व दिखा दें तो सब सही हो जाएगा, सीधी सी बात है। मैं भी उन दुनिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से चलो, नाकारिक किसी भी नाकारिक शब्दों में, नाकारिक सोच में ना जाए, अच्छी सोच में जाए, तो मैं और आपका भाई कभी परेशान नहीं होगा, कभी आपकी भाभी और मेरे परिवार कभी तकलीफ में नहीं आएगा। तकलीफ आएगा तो पैसा है, जब पैसा कम होगा मनुष्य फड़फड़ करेगा, मछली को बाहर करोगे पानी से तरेगी, तो हमें क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए, एक अच्छे से इंसान चाहिए। बोले वो हमारे पास दिन भर में, आप खुद देखते हो मसान के अंदर 10 रुपये चढ़ा के तो हम 10 रुपये में खा लेते हैं, हमें कोई पैसों की ज़रूरत तो है नहीं, हम बस में लगा के बैठे हुए हैं, हम कैसे बैठे, कपड़ों के वस्त्र की तो ज़रूरत ही नहीं, नंगे पाँव चप्पल चल रहे, नाखून टूट गए हमारे, तो हम तो पूछ ही नहीं रहे, पैसा तुम लोगों को ज़रूरत पड़ रही है इसलिए तुम रो रहे और गा रहे हो, और तुम हमारे पास दौड़ के आते हो कि संदेश दे दो, ये दे दो, तो मैं तो दे दूंगा। अगर मेरा प्यार चाहते हो तो मेरी बात मान के देखो ना एक बार महाकाल की, कि पूरे विश्व में एक ही राजा तंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए, फालतू का जितने नाटक है ये सब बंद होना चाहिए। बाकी का ये तो धोती भी क्या लावारिस उसकी है या ये आपने खरीद के पहनी? नहीं, ये तो मेरे बच्चे लोग चेलेवन दे देते हैं, कभी नहीं होता तो लंगोटी बांध भी लेते, लावारिस की पहन लेते। इसमें कौन सा, अगर कपड़ा तन पे गंदा हो गया तो क्या दिख गया कि आज अच्छा माल आ गया, साड़ी अच्छी दिख गई, धोती अच्छी दिख रही ना, इसको पहन लेंगे हम। ये थे तिलकधारी महाकाल बाबा जो अघोरी साधु हैं, हरिद्वार में इनका भी तंबू लगा है शमशान के तट पर, सुबह शाम ये इसी चिता की अग्नि के पास बैठे रहते हैं, और ये जो आप हमें तंबू देख रहे हैं ये भी शमशान में लावारिस लाशों पर जो कफन चढ़ के आता है, जो कपड़े चढ़ के आते हैं अलग अलग प्रकार के, उसी से ये पूरा बना हुआ है। ये जो गद्दा है इस पर भी कोई मुर्दा लेट कर ही आया है। महाकाल बाबा का यही संदेश है कि अघोरियों को बदनाम किया पिक्चर वालों ने, अघोरियों की एक छवि थी उसको धूमिल किया इस मूवी सिनेमा के लोगों ने, और अगर हर घर में रामायण का पाठ शुरू हो जाए तो सनातन धर्म की रक्षा की जा सकती है। बने रहिए, देखते रहिए, और बाबा महाकाल के संदेश को जन जन तक ज़रूर पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।